भारत अपना 75वां स्वतंत्र दिवस मना रहा है। लाल किले से लेकर देश भर के सरकारी कार्यालयों और कई अन्य जगहों पर इस मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर लोग तिरंगे को सलामी देते हैं। और इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्र सरकार की ओर से हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश के ज़्यादा से ज़्यादा घरों, कार्यालयों, दफ्तरों पर तिरंगा फहराना है। विश्व में भारत की पहचान का एक प्रतीक हमारा तिरंगा है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों से मिलकर बना है, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। इस तिरंगे के बीचों बीच एक गोल चक्र है। तिरंगे के हर रंग से लेकर चक्र और चक्र में मौजूद तिल्लियों की संख्या तक सब कुछ देश के लिए प्रतीक की तरह है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि भारतीय तिरंगे को बनाया किसने है? वह कौन है जिसने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर तिरंगे को डिजाइन किया होगा? और क्यों तिरंगे को ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर मान्यता मिली? आइए इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं। तिरंगे का निर्माण करने वाले शख्स का नाम है पिंगली वेंकैया। 1921 में पिंगली वेंकैया ने ध्वज का निर्माण किया था। भारत के लिए एक बेहतर ध्वज का निर्माण करना इतना आसान नहीं था। पिंगली वेंकैया ने 1916 से लेकर 1921 तक करीब 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वज का अध्ययन किया, जिसके बाद उन्होंने तिरंगे को डिजाइन किया था। उस समय के तिरंगे और आज के तिरंगे में थोड़ा फर्क है। तब तिरंगे में लाल, हरा और सफेद रंग हुआ करता था, वहीं चरखे के चिन्ह को इसमें जगह दी गई थी। लेकिन 1931 में एक प्रस्ताव पारित होने के बाद लाल रंग को हटाकर उसकी जगह केसरिया रंग कर दिया गया। भारत का मान बढ़ाने वाले, तिरंगा को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। पिंगली वेंकैया आंध्र के मछलीपत्तनम के पास एक गांव में रहते थे। 19 साल की उम्र में वेंकैया ब्रिटिश आर्मी के सेना नायक बन गए। उन्होंने ब्रिटिशों की गुलामी के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। जब उन्होंने तिरंगे का निर्माण किया तब पिंगली वेंकैया की उम्र 45 साल थी। तिरंगे को भारतीय ध्वज के तौर पर मान्यता मिलने में करीब 45 साल लग गए थे। चरखे के जगह अशोक चक्र को ध्वज में शामिल किया गया। 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की एक बैठक के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को अपना लिया गया। उसके बाद इसे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर फहराया जाता है। तिरंगे में मौजूद 3 रंग हैं, केसरिया, सफेद और हरा। तीनों रंगों का अपना विशेष महत्व है। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और सच्चाई को दर्शाता है। अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया कहा जाता है, जिसमें शामिल 24 तिल्लियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।